तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हायर की लाइनअप लगी हुई है आपके सामने। तो फ्रेंड्स, 2024 आ चुका है। 2024 में हर ब्रांड ने अपने अपने फीचर्स निकाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपको डेमो दूंगा, वो हायर का डेमो दूंगा जो कि इनका टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल मीन्स इनका जो यूवी फीचर्स वाला मॉडल है। यूवी फीचर्स वाला क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो 5 स्टार का मैं आज आपको डेमो दूंगा जो कि आपका यूवी क्लीन हैवी ड्यूटी प्रो के नाम से आता है। यूवी क्लीन हैवी ड्यूटी प्रो के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा जो कि 1.6 टन का 5 स्टार रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं डेमो और बताते हैं इसके इस मॉडल में क्या क्या फीचर आए हैं। तो मॉडल नंबर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा HSU-19U-PYFC-5BE मॉडल है जो कि इन्वर्टर मॉडल। मॉडल थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको लिख के भी बता दूंगा कि किस टाइप का क्या मॉडल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले जाने कूलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। 5400 वाट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है जो कि इसके स्टार रेटिंग लेवल पे है। 50% पे अगर ये चलता है तो ये 2700 वाट के करीब कूलिंग कैपेसिटी लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स आपका हाई लेवल एसी है, यानी ये कन्वर्ट हो गया 7 इन कन्वर्टेबल में भी, ये हाई स्पीड में भी चलता है 110% के करीब। जो जाती है फ्रेंड्स की 6000 वाट तक जाती है। मिनिमम वाट जो जाती है इसकी 900 वाट जाती है। 6000 वाट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कन्वर्टेबल मॉडल आपका 7 इन 1 कन्वर्टेबल है। मान लीजिए इस एसी को आप हाई स्पीड पे चलाते हो तो उस समय पे ये 6000 वाट पे जाता है। तो अब हम जान लेते हैं इसकी पावर इनपुट की बात। जो इसका पावर इनपुट है 1455 वाट इसका पावर इनपुट है, यानी जब ये एसी स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होते ही ये करीब आपका 1455 वाट लेगा। तो फ्रेंड्स, इसकी जो ISER रेटिंग है, ISER रेटिंग है इसकी 5.05 करीब की इसकी ISER रेटिंग है आपकी। और अगर हम इसकी बात करें एयर सर्कुलेशन की तो 1200 CMH के करीब इसका एयर सर्कुलेशन है। तो इसकी बात करते हैं हम नॉइज लेवल की। जब ये एसी चलता है तो ये नॉइज लेवल कितना होता है, 34 dB के करीब इसका नॉइज लेवल है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके कुछ यूनिक फीचर की बात कर लेते हैं। इसके कुछ यूनिक फीचर की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कंप्रेसर की। तो जो इसमें आपको कंप्रेसर मिलता है वो ट्रिपल इन्वर्टर प्लस टेक्नोलॉजी का कंप्रेसर मिलता है जो कि एम्बियंट टेम्परेचर जिसका होता है अप टू 60 डिग्री तक एम्बियंट टेम्परेचर होता है, यानी ये काफ़ी नॉइज लेवल इसका कम होता है, वाइब्रेशन वगैरह कम होती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट फीचर है जो 2024 का लेटेस्ट रहने वाला है वो है आपका यूवी प्रो सेंट्रलाइजेशन, यानी 99.9% तक ये बैक्टीरिया और ऐसे ऐसे वायरस को डीएक्टिवेट करेगा, किल करेगा जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते। एयर बोन्स के अंदर काफ़ी बैक्टीरिया घूमते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कोरोना वायरस टाइप की जो बैक्टीरियास होते हैं उस टाइप के भी ये कण को ख़त्म करेगा। अब यूवी होता क्या है, आपने जो ये एसी लगाया हुआ है इसका जो इवेपरेटर कॉइल होता है उसी के साइड में एक यूवी रेज होती है। वो यूवी रेज क्या होती है, डायरेक्टली लेफ्ट टू राइट पास होती है। जब ये एसी सक करेगा पूरी की पूरी डस्ट, उसके साथ जो एयर बोन्स पार्टिकल्स भी आएंगे, बैक्टीरियाज भी आएंगे, उनको ये डिएक्टेट करता है। इसमें एक प्लस पॉइंट भी है, मान लीजिए कभी किसी ने गलती से एसी का फ्लैपर उठा दिया है और यूवी रेस चल रही है इसकी, तो उस कंडीशन में ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है यूवी रेस। तो ये भी इसका फायदा है, यानी एक टाइप से ये सेफ्टी भी है। तो इसका मानना है कि यूवी का क्या मानना है कि ये एक टाइप से आपके रूम के अंदर एयर प्यूरिफायर का वर्किंग कर रहा है, यानी आपको प्योर एयर मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सुपरसोनिक कूलिंग की इन जस्ट 10 सेकेंड। सुपरसोनिक कूलिंग क्या है, सुपरसोनिक कूलिंग में आपके रिमोट में ही ऑप्शन आता है, जैसे ही आप रिमोट में ऑप्शन दबाओगे तो इंस्टेंटली 10 सेकेंड होते ही ये पावरफुल कूलिंग देना स्टार्ट कर देगा। ये फायदा आपको तब मिलता है जब आपको इंस्टेंटली कूलिंग चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट फीचर है 7 इन 1 कन्वर्टेबल। 7 इन 1 कन्वर्टेबल में क्या होता है फ्रेंड्स, रिमोट में ही ऑप्शन आते हैं, आप इसको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में यूज़ कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सुपरसोनिक मोड पर यूज़ कर सकते हो, टर्बो मोड पर यूज़ कर सकते हो, L-Key 1, L-Key 2, L-Key 3 मोड्स पर यूज़ कर सकते हो, यानी आप इसको 40%, 60%, 80%, 110% पे भी यूज़ कर सकते हो 7 इन 1 कन्वर्टेबल मोड। तो यानी ये टनेज के हिसाब से भी होता है, यानी अगर ये 1.6 टन का है तो इसको आप 0.8 टन, 1.2 टन, 1.25 टन एंड
1.5 टन पे भी यूज कर सकते हो, एक टाइप से मोड चेंज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फीचर आता है इसमें स्मार्ट फीचर, जो कि आपका वाईफाई सिस्टम होता है, यानी आप इस एसी को वाईफाई के थ्रू भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपके हाथ में रिमोट नहीं है, तो आप अपने मोबाइल के थ्रू कहीं से भी घर में कहीं भी कोने में बैठ के मोबाइल के थ्रू टेम्परेचर को ऑन ऑफ कर सकते हो, बंद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें वॉइस कंट्रोल। वॉइस कंट्रोल का ये मतलब है कि आप इसको स्मार्टली तरीके से गूगल असिस्टेंट या फिर एलेक्सा के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें 100% ग्रूमिंग कॉपर, 100% ग्रूमिंग कॉपर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी जो कॉपर होती है वो रोलिंग वाली होती है, यानी अंदर लाइनिंग होती है। लाइनिंग में क्या होता है, अगर ये कूलिंग रुक, इसकी जो रेफ्रिजरेंट होती है रुक जाती है, तो कूलिंग का इफेक्ट अच्छा बनता है, इसलिए इसको 100% ग्रूमिंग कॉपर बोलते हैं। कॉपर जो होता है ड्यूरेबल होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। रहने वाला है आपका R32 रेफ्रिजरेंट। R32 जो होता है इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होता है, ओजोन लेयर को हार्म कम करता है और काफ़ी हद तक कूलिंग के मामले में बेस्ट माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट फीचर आता है हाइपर PCB मॉडल आता है। हाइपर PCB में क्या होता है फ्रेंड्स, जो इसका आउटडोर आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा, आउटडोर के ऊपर जो फ्लैपर होता है इसका स्टैंड रहता है, उसके नीचे PCB लगी रहती है, उसको हाइपर PCB बोलते हैं। और जो ऊपर का परत होती है वो रफ एंड टफ होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, चाहे बारिश हो चाहे धूल कण हो, वो एक टाइप से सेफ रखती है आपके एसी के PCB। आता है फ्रेंड्स स्टेपलर फ्री ऑपरेशन, यानी आपको इसमें स्टेपलर लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको इसमें स्टेपलर रेंज की काफी नीचे से मिलती है, यानी 120 से 290 के करीब इसमें मिलेगी। तो लास्टली हम बात करते हैं इसकी वारंटी की, क्योंकि वारंटी सबसे मेन होती है। कंपनी इसमें आपको 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है, 5 ईयर की साल की इसके कंप्रेसर की वारंटी देती है। तो फ्रेंड्स सीजन चल रहा है और सीजन में क्या होता है, वारंटी चेंज होती रहती है। तो मान लीजिए अगर आप एसी को परचेज करने जा रहे हैं मार्केट में और आपको वारंटी का कंफर्म नहीं है और आप उसको परचेज कर लेते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको वारंटी प्रोवाइड नहीं मिल पाती है। तो लेने से पहले आप स्टाफ से कंफर्मेशन ले लेना कि इसमें वारंटी कितनी चल रही है, क्योंकि 5 साल की वारंटी भी इसमें चलती है। तो फ्रेंड्स मैंने आज आपको 1.6 टन 5 स्टार टॉप मॉडल के बारे में बताया है, जो कि आपके सामने है UV Raise वाला। तो अगर आपको इस मॉडल में कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक